करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो आप कम्प्लीटली उस वीडियो को वॉच कीजिए। उसमें कम्प्लीटली आपको सिखाया गया है कि रेज्यूमे पार्ट आपका कैसे होता है, क्यों इंपॉर्टेंस होती है रेज्यूमे पार्ट की, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मैंने। उस लिंक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कम्प्लीटली रेज्यूमे पार्ट अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से बनवाने का तरीका बताया गया है। साथ में PDF फाइल भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जाना है www.civilguruji.com में, वहाँ पर जाकर आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद एक वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल एड्रेस में आएगा, जिस ईमेल एड्रेस में आपको लिंक को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है उसकी सहायता से आपको कोर्स में लॉग इन कर लेना है। फ्री कोर्स से आप कंप्लीटली अपने लिए अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से रेज्यूमे बनाना सीख सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो के साथ साथ मदद मिलेगी PDF की, साथ में वीडियो को वॉच कीजिए। रेज्यूमे की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये कंप्लीटली आपको सिखाया गया इस वीडियो में, तो कंप्लीटली वॉच कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस की भारी कमी हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, इसलिए कोई भी इंजीनियर नहीं रहेगा बेरोजगार। स्वागत है दोस्तों आप सभी। तो आज मैं ऐसी ही कुछ टेक्निकल स्किल्स जो कि होती है एक रेज्यूमे पार्ट, कि एक इंजीनियर रेज्यूमे पार्ट नहीं बना पाता, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेज्यूमे। मैं इंजीनियर चेतन शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, साथ एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर, और आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं एक इफेक्टिव रेज्यूमे के रिगार्डिंग। एक इंजीनियर अपने करियर में, करियर स्टार्ट करने से पहले एक रेज्यूमे बनाते हैं और रेज्यूमे को अप्लाई करते हैं, लेकिन देयर इज नो रिप्लाई, किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आता किसी भी कंपनी द्वारा। इसके पीछे रीजन केवल एक ही है, आपका रेज्यूमे, क्योंकि आपका रेज्यूमे आपकी क्वालिटी दर्शाता है एक इंटरव्यूअर के सामने, एक HR डिपार्टमेंट के सामने। आपका रेज्यूमे ही सबसे पहले पहुंचता जबकि आपकी क्वालिटी नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कोई डिजाइनिंग फील्ड के लिए कोई इंटरव्यू निकला है और मैं उसमें लिख रहा हूं मुझे एस्टिमेशन बनाना आता है, मुझे क्वांटिटी सर्वे आता है, मुझे साइट एग्जीक्यूशन आता है, तो क्या वो परफेक्टली रेज्यूमे हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि परफेक्टली रिज्यूमे वो होता है कि मुझे जिस डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस पोस्ट मेरी रिक्वायरमेंट आई है, मुझे उसके बारे में 100% दिखाना। मान लीजिए साइट इंजीनियर, तो साइट इंजीनियर का वर्क समझना पड़ेगा मुझको, कि क्या क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए एक साइट इंजीनियर को, क्या क्या वर्क ऑर्डर होना चाहिए उसका, वो मुझे पहले समझना पड़ेगा। जैसे मैं समझाऊं आपको साइट इंजीनियर, तो साइट इंजीनियर को जो वर्क रोल समझना है यहां पे, वो है सबसे पहले साइट एग्जीक्यूशन, लेबर मैनेजमेंट, साइट हैंडलिंग, और साथ में चेकलिस्ट ऑफ डिफरेंट आरसीसी मेंबर की डिफरेंट चेकलिस्ट मुझे एक साइट इंजीनियर को रिक्वायरमेंट होती है द्वारा, किसके, एक कंपनी के द्वारा। तो ये रिक्वायरमेंट यदि मैंने फुलफिल कर दी तो शायद मेरा जो रेज्यूमे है ये इफेक्टिव रेज्यूमे हो जाएगा। साथ में तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि रेज्यूमे ओपन हुआ। ये एक फॉर्मेट है रेज्यूमे का, जिसमें हम बात कर पा रहे हैं यहां पर, कि सबसे पहले आपका नेम, जो कि एकदम नेम एकदम बोल्ड लेटर्स में आपका, और देन उसके बाद आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल लिखी गई है, और यहां पर आपका फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ लगाना इसलिए जरूरी होता है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ मतलब आपकी इमेज शो हो, आप कैसे यहां पर शो कर पा रहे हैं अपनी एक इमेज को, तो यहां पर सबसे पहले हम एक फोटोग्राफ्स को लगाएंगे। देन उसके बाद होता है आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि आप अपने कैरियर के बारे में क्या सोच पा रहे हैं। जैसे यहां पर एक कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो यहां पर हम ये दिखा पा रहे हैं कि हमारे पास जो स्किल्स हैं उसको आपकी कंपनी के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। देखिए वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको मैं थोड़ा अलग कैटेगरीज में लिख रहा हूं और जो फ्रेशर है उनको अलग कैटेगरी में लिख रहा हूं। देखिए वर्क एक्सपीरियंस एक कंपनी क्या चाहती है आपसे पहले वो समझाना चाहता हूं। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट जो हम फुलफिल करते हैं किसी इंटरव्यू के सामने, उससे सबसे पहले चाहिए आपसे ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट कब पैदा होगा? जब आप उसे दिखाओगे अपना लॉन्ग टर्म विजन, कि ये लॉन्ग टर्म मेरे लिए काम करेगा, तो तभी कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट हायरिंग करने के बाद तभी आप पर मेहनत करी जाती है। क्योंकि आप केवल हो सकता है अपने पार्ट में परफेक्ट होंगे, लेकिन जो वो कंपनी को रिक्वायरमेंट है आप शायद वहां पर 100% ना हो, आपका हो सकता है 50% एफिशिएंसी हो, लेकिन आपको फुलफिल कराने के लिए वो ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा आपको, कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए हमारा। तो अब आगे बात करते हैं, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो हो गया हमारा यहां पर, एक फ्रेशर इंजीनियर अपना एक्सपीरियंस कैसे शो कराएगा एक रेज्यूमे में, तो उसकी बात करता है। तो देखिए फ्रेशर एक्सपीरियंस का जो शो कराने का तरीका है, मान लीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ली सिविल गुरुजी में, तो सिविल गुरुजी में जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप ले रहे हैं ये तो इक्विवेलेंट है किसी भी 7 से 8 साल इंजीनियर जो एक्सपीरियंस होता है, जो साइट पर जाकर सीख पाता है, उससे कहीं ज्यादा यहां पर हम पार्ट यहां पर सिखा देते हैं।
देते हैं कि आप उस लेवल पे खड़े हो जाते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए कि मैं पूरे प्रोजेक्ट को संभाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेरे पास यहाँ पे इंजीनियर पास आउट हो जाते हैं, वो किसी साइड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस, वो पावर, वो मोटिवेशन और गोल सेट करके जाते हैं कि क्या क्या गोल यहाँ पर सेट होते हैं कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, तो वो आराम से इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर फुलफिल कर सकता है। साथ के साथ कुछ हम यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि हमने कुछ वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया, इंटर्नशिप किया है, तो वो भी हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। साथ में प्रोजेक्ट हम जो हैंडलिंग करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, तो कुछ लोग यहाँ पर मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स कर अलग अलग यहाँ पर शो करते हैं, हमें उसको भी एक्सपीरियंस में ही अपना गैदर करना है कि एक्सपीरियंस के अंदर ही मैं उसको इनपुट करा सकूं कि वो भी मेरा शो हो एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहां पर हमें जो शो कराना है वो अपना शो कराना है कि हमारी जो लास्ट डिग्री या लास्ट हमारी एजुकेशन है वो क्या होगी। देन उसके बाद आपके ट्वेल्थ का पार्ट जो होगा, ट्वेल्थ आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, वो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन शो कराएगा। यदि आपने इसके अलावा भी कुछ इनपुट कोर्स किए हुए हैं तो वो भी आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं। देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होती है टेक्निकल स्किल्स। अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं पता होती मैक्सिमम इंजीनियर्स को कि टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होती है, तो देखो आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हो टेक्निकल स्किल्स में कि टेक्निकल स्किल्स क्या क्या, क्वांटिटी सर्वे, मतलब मैं किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की पूरी क्वांटिटी सर्वे और उसका रेट एनालिसिस कर सकता हूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सर्वेइंग का पार्ट, की सर्वेइंग यहाँ पर सर्वेइंग की पूरी कटिंग फिलिंग जो टेक्निकल स्किल होती है सर्वेइंग में मैक्सिमम एक सिविल इंजीनियर द्वारा, देखो सर्वेयर एक अलग पार्ट हो गया लेकिन एक सिविल इंजीनियर को सर्वेइंग में क्या आना चाहिए, वो होता है कटिंग फिलिंग निकालना, कंटूर मैपिंग बनाना, तो ये टेक्निकल नॉलेज होती है। देन इसके बाद एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एस्टिमेशन प्लानिंग, तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट की आइटम वाइज प्लानिंग कर दूं, एस्टिमेशन निकाल दूं उसका, पूरी बिल्डिंग का कॉस्ट निकाल दूं, तो यहां पर एस्टिमेशन, ये टेक्निकल स्किल। देन आता है बिल ऑफ क्वांटिटी, पूरे प्रोजेक्ट का बिल, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। मैं यहां पर मेंटेन कर पा रहा हूं बिल ऑफ क्वांटिटी को अलग अलग एसओआर के साथ रीड करके, तो ये आपके एक अलग टेक्निकल स्किल शो कराएगा आपको। देन आपकी नेक्स्ट टेक्निकल स्किल होती है बिलिंग वर्क, जो कि एज पर पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के साथ साथ मेजरमेंट बुक को फिल करना, ये आपके आती है यहां पर टेक्निकल नॉलेज। ये टेक्निकल स्किल्स वाला जब हमारा फुलफिल होकर जाता है ना रिक्वायरमेंट के पास, तो अलग ही यहां पर जॉब दे पाता है हमको, एक अलग ही लेवल पर हम खड़े हो पाते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं कर पाता एक इंटरव्यू क्या ये पार्ट आता होगा। लेकिन जो सिविल गुरुजी का स्टूडेंट जाता है ना जॉब लेने, तो अलग ही यहां पर शो करते हैं उनके स्किल्स और कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो लेकर जाते हैं। रिज्यूमे तो हो गया, साथ में पोर्टफोलियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। अब जानते हैं यहां पर सॉफ्टवेयर स्किल, तो क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोकेशन है जहां पे एमएसपी जैसे सॉफ्टवेयर, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देंगे। साथ में स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर, जिसमें हम पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं, तो यहां पर हम डालेंगे यहां पर सॉफ्टवेयर स्किल में स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर। स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड में खाली ड्राइंग नहीं बनाएंगे कि ड्राइंग बना लिया, एक रामू है, रामू यहां पर ड्राइंग बना के भी दे रहा है, ड्राइंग वास्तु के अनुसार बननी चाहिए ना, एक गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ड्राइंग बननी चाहिए, तो यहां पर हम पूरा ड्राइंग बनाते हैं वास्तु के अनुसार, तो यहां पर हम डालेंगे ऑटोकैड विद वास्तु प्लानिंग एंड गवर्नमेंट बायलॉज। इसके बाद स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट की, यहां पर हम इनपुट कराएंगे सॉफ्टवेयर स्किल्स के अंदर। देन नेक्स्ट पार्ट आपका एमएस, एक सॉफ्टवेयर रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट आर्किटेक्चर 3D एलिवेशंस के लिए हम जो यहाँ पर बना पाते हैं, तो एक इंजीनियर की ये स्किल्स को कहीं ना कहीं अपडेट कर देता है, सोचने का जो नजरिया होता है ना वो एक अलग लेवल पर पहुंचा देता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर का जो काम है वो विजन क्लियर होना चाहिए, वो दूरी जो उसने सोची गई है वो पहले पूरी होनी चाहिए, तो एक अलग नजरिए से सोचना बिल्डिंग के बारे में, उसका एलिवेशन बनाना, वो रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर पूरा कर पाता है। देन आती है आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हर इंटरव्यूअर आपसे चाहेगा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि वो अपना काम आप पर देने वाला है, आपको जो वो पहले करता था वो आप करेंगे। वो कैसे कर पाएंगे, जब आप उसको भरोसा दिलाओगे, जब आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाओगे, जब आप उसको ट्रस्ट दिलाओगे। वो कब आएगा यहां से, जब आप पूरा ये पार्ट सीख चुके होंगे, ये पूरा जो मैंने आपको बताया टेक्निकल स्किल सॉफ्टवेयर स्किल, जब आपके पास इनपुट हो जाएगा, आपके अंदर अपलोड यहां पर लोड हो जाएगा आपके अंदर, जब आप लोड हो जाएगा तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कॉन्फिडेंटली यहां पर वर्क कर पाओगे। तो यहां पर हम जब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको हमें शो कराना है कि जब मैं आप नहीं हो साइट पर मैं आपका वर्क संभाल रहा हूं यहां पर। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप नहीं हो मैं आपके लिए बिल बना रहा हूं यहां पर, मैं जरूर साइट इंजीनियर हूं लेकिन मैं बिल भी बना लूंगा, मैं जरूर साइट इंजीनियर हूं लेकिन मैं क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस भी कर दूंगा आपके लिए,
मैं जरूर आपके लिए साइट इंजीनियर हूं, लेकिन मैं आपके लिए ऑटोकैड में बनाई हुई ड्राइंग बना दूंगा वास्तु के अनुसार। हो सकता है आपका आर्किटेक्चर ना बना पाए, लेकिन मैं बना लूंगा। ये कॉन्फिडेंस, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज में हमें शो करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख पाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पर्सनल डिटेल्स लिखी गई है, तो हम इसमें अपने इंटरव्यूअर को शो करा पाते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, कि हमारे बारे में वो जान पाए कि हम कहां से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली के बारे में जान पाए, हमारी एज ऑफ ग्रुप के बारे में जान पाए, हमारी नेशनलिटी के बारे में जान पाए। तो यहां पर हम बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की। लास्ट पार्ट आता है इस रेज्यूमे पार्ट का, वो होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमें यह दिखाना होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सभी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर डिक्लेरेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डिक्लेरेशन के बारे में यहां पर लिखा गया है। तो ये सारा पार्ट यहां पर डिक्लेरेशन खत्म हुआ। लास्ट में आता है अपने सिग्नेचर, हमारे एक वैलिड सिग्नेचर वहां होने, प्लेस और डेट हम यहां पर इनपुट करा पाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने यहां पर आपको रिज्यूमे के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपको पोर्टफोलियो, मैक्सिमम इंजीनियर पोर्टफोलियो के बारे में नहीं जानते, साथ में कवर लेटर क्या होता है, जल्दी ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं आपको प्रॉपर मैं कवर लेटर के बारे में जानकारी दूंगा और साथ के साथ पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये जो वीडियो थी रेज्यूमे के बारे में, ये केवल एक ही मकसद है मेरा आप लोगों को, कि कोई भी इंजीनियर बेरोजगार ना रहे। यही सिविल गुरुजी का मोटिव है कि कोई भी इंजीनियर बेरोजगार ना रहे, क्योंकि अब की बार कोई ना रहेगा बेरोजगार।